हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गार्डनिंग का शौक़ हर किसी को हो या ना हो, लेकिन एक पौधा लगभग हर घर में अब पाया जाता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। क्योंकि उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आसानी से मिट्टी में या पानी में ग्रो कर जाता है। उसकी अलग अलग वैराइटीज़ है, मेरे पास उसमें से ये वैराइटी है जिसके पत्ते ज़्यादातर हरे ही रहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पौधे, बाकी के मैंने मॉस्टिक पर लगाए और मुझे एक ऐसा बुशी बनाना था तो मैंने ये गमले में इस तरह से लगाया हुआ है। देख सकते हैं आप कितना हरा भरा है, घना है और इसके पत्ते भी कितने शाइनिंग कर रहे हैं। मैंने ये कटिंग से ही लगाया था, दो कटिंग ली थी। पहले उन कटिंग को मैंने पानी में लगाया था, फिर पानी में रूट्स आने के बाद उनको मिट्टी में लगाया था। इसे एक साल हो चुका है, पिछले साल मैंने मार्च महीने में ही इसे लगाया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। इसकी बहुत ऐसी, आपको ये वाइंस दिख रही है ना, ऐसे बहुत निकली थी तो मैंने कट कट करके और दूसरे गमले में लगा दी थी, क्योंकि ये अंदर से इतना घना हो चुका है कि अब इसकी वाइंस डालने के लिए जगह नहीं है अंदर। ये जो आप वाइंस देख रहे हैं, ये हमें ऐसे गमले के अंदर नीचे की साइड में लगानी रहती है। इस वाइन को मैं इस तरफ मोड़ती हूँ और सब पत्तियाँ ऊपर करके एकदम नीचे, इस वाइन को नीचे एकदम मिट्टी के पास ऐसा मिट्टी में रो देना है, ताकि इसकी जो नोड से वहाँ से रूट्स निकल के इसके भी पत्ते और बड़े बड़े हो। अब ये देखिए, इस वाइन को मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं अंदर जगह भी नहीं है, इतना घना हो चुका है। मैं इन वाइन को भी कट कर डालूँगी, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रखा था मैंने। ये वाइन हम इसको ऐसे नीचे मिट्टी में रो देना है, ऐसा करने से वो ऐसा उस स्पॉट में ही फैलता रहता है और इसी तरह वो बुशी बनता है। और यही ट्रिक है जो हम पॉट में इसे बुशी बनाते हैं। आपको हर एक वाइन वैसा ही करना है, जब ये छोटा रहता है तब से आपको ऐसे ही पॉट में ही उसे गोल 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 मिट्टी में लगाते रहना है, और वैसे ही वो बढ़ता जाता है और उसकी पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी होती रहती है और वो और अलग अलग अपनी वाइन्स निकालता रहता है। मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स, ऐसी वाइन्स की कटिंग और दूसरे गमलों में भी लगाई है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो। ये देखिए, इस तरह इसे भी मैंने यहाँ पे मिट्टी में ऐसे लगा दिया है। आप देख सकते हैं अंदर कितना घना हो चुका है। ये इसे जगह भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये रखी थी ये वाइन्स। दोस्तों, मैंने इसे सिर्फ मिट्टी में लगाया था, उस मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ना फर्टिलाइज़र डाला था ना खाद डाली थी, ये सिर्फ मिट्टी में इतनी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डाला था मैंने मिट्टी में, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ प्लेन मिट्टी ली थी, गार्डनिंग की जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी ली थी मैंने, फिर भी ये इतना अच्छा ग्रो हुआ है कि पत्तियाँ देख रहे हैं आप कितनी शाइनिंग, अच्छे से शाइनिंग कर रही है। आप इस पौधे को इंडोर या आउटडोर दोनों तरफ रख सकते हैं, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो आप इसे ज़्यादातर इंडोर में ही रखें, या इसे शेडिंग लाइट में जहाँ डायरेक्टली धूप ना आती हो, और दोपहर की धूप तो बहुत ही तेज़ होती है, तो उसमें तो आपको मनी प्लांट के पौधे को रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ हल्की सी पीली पड़ने लगती है या फिर जलने लगती है।
दोस्तों, इस मनी प्लांट को हरा भरा और बुशी बनाने के लिए मैं एक और ट्रिक का यूज़ करती हूँ। मैं उस ट्रिक को हर 4-5 दिन में फॉलो करती हूँ। मैं पूरे पौधे पर पानी के बॉटल से स्प्रे कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हर एक पत्ते को अपने हाथों से धोती हूँ, ऐसे ईच हर एक इसका पत्ता, ताकि इसका फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से हो और ये इसके पत्ते और बड़े हो और हरे भरे रहे। देखिए, आप देख सकते हैं ये पत्ते, इसके हर एक पत्ते शाइनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी ये ट्रिक जरूर यूज़ करना और आपके मनी प्लांट को भी इसी तरह हरा भरा, घना और बुशी बनाना। ये ट्रिक यूज़ करने के बाद आपके भी मनी प्लांट अगर हरा भरा घने हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस ट्रिक का फ़ायदा हुआ है या नहीं। मनी प्लांट एक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, तो आप उसे अपने लिविंग रूम में भी सजा कर रख सकते हैं या बेडरूम में भी रख सकते हैं, या फिर आप उसे अपने घर के एंट्रेंस पर भी रख सकते हैं। इस पौधे को घर के एंट्रेंस पर रखने से तो घर की शोभा और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो आप लोग अपने घर में जो पौधे होंगे तो उन पर ऐसे स्प्रे कर दिया कीजिए, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे हवाएं चलती रहती है तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है और इनके पत्तों पर भी बैठती रहती है, तो फिर ऐसा स्प्रे करने से वो धूल मिट्टी भी साफ़ हो जाएगी और गर्मी की वजह से उनको भी थोड़ा सा राहत मिलेगी ऐसा स्प्रे करने से, क्योंकि बारिश में और सर्दी में तो वैसे उनको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती, तब धूल मिट्टी भी नहीं रहती है इतनी, लेकिन गर्मियों में तो आप ऐसा दिन में एक बार स्प्रे तो करना ही चाहिए। ऐसा करने से वो अच्छे भी दिखते हैं और उनकी धूल मिट्टी भी साफ़ हो जाती है, पत्तों के ऊपर जो धूल मिट्टी होती है वो वाली। आज के इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को ट्रिक बताई है, वो ट्रिक यूज़ करके आप लोग भी अपने घर में ऐसे हरे भरे और घने मनी प्लांट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये ट्रिक यूज़ करके ऐसे मनी प्लांट ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मैं आपको अगले वीडियो में और नई नई ट्रिक्स बताऊंगी और मनी प्लांट्स की डेकोरेशन किस तरह से हम घर में कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।